कांग्रेस विधायक की बदसलूकी मामले में गिरफ्तारी से उत्पन्न सियासी हलचल। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ अंजना और आप देख रहे हैं द खबरदार न्यूज। तो चलिए बढ़ते हैं आज की बड़ी खबर की ओर। रैगांव क्षेत्र की कांग्रेसी विधायक कल्पना वर्मा के साथ हुई बदसलूकी के मामले में हुई गिरफ्तारी ने सतना जिले में सियासी महसूस को गहराई से गूंद दिया है। इस मामले में कांग्रेसी नेता मनोज बागरी बबलू के खिलाफ विधायक कल्पना वर्मा द्वारा दर्ज की गई शिकायत ने राजनीतिक सर्कलों में आलोचना की धारा बढ़ा दी है। इस घटना के परिणाम स्वरूप सतना जिले में उमड़े सियासी बवाल का सामना कर रहे हैं। मामले की शुरुआत गुरुवार की रात की, जब कांग्रेस के क्षेत्रीय नेता मनोज बागरी बबलू और कांग्रेसी विधायक कल्पना वर्मा के बीच हुई। विधायक कल्पना वर्मा ने यहां जनसंपर्क के लिए यात्रा की थी और जब वह हार्टी सर्किल की हटिया गाँव पहुँची तो उनके सामने कुछ लोग खड़े हो गए। इसके बाद घटना का मोड़ बदल गया और यहाँ बदसलूकी का मामला उत्पन्न हुआ। मनोज बागरी बबलू, जो कांग्रेस के क्षेत्रीय नेता हैं और विधायक कल्पना वर्मा के चुनावी टिकट के दावेदार भी थे, उनकी गाड़ी के पास आए और उनके साथ अभद्रता करने का प्रयास किया। उन्होंने विधायक कल्पना वर्मा के साथ धक्का मुक्की की और हाथ पकड़ने की कोशिश की। उनकी महिला सहायक प्रतिमा पांडे के साथ भी यहां पर बदसलूकी की गई और वहां भी उनके साथ धक्का मुक्की हुई। उनके मुंह को हाथों में पकड़ने का प्रयास किया। इस घटना के तुरंत बाद विधायक कल्पना वर्मा ने सिविल लाइन थाना में आईपीसी की धारा 341 गर्दन काटने का प्रयास, 294 अश्लीलता का आरोप और 354 छेड़छाड़ का आरोप के तहत मुकदमा दर्ज कराया। यह घटना खुद विधायक कल्पना वर्मा के द्वारा रिपोर्ट की गई थी, जिसके बाद पुलिस ने त्वरित कार्रवाई की और मनोज बागरी बबलू को गिरफ्तार कर लिया। मनोज बागरी बबलू ने इस मुद्दे पर अपना पक्ष रखते हुए कहा कि उनका नाम किसी षड्यंत्र के तहत घटना में शामिल किया गया और उन्हें बेदखल करने का प्रयास किया जा रहा है। वह यह भी दावा करते हैं कि उनके खिलाफ विधायक कल्पना वर्मा ने राजनीतिक हत्या की साजिश रची है और वे डरते हैं कि उनका चुनावी टिकट कट जाए। उन्होंने शराब के नशे में होने के आरोपों को खारिज किया और कहा कि उन्होंने उस समय सतना में थे जब यह घटना हुई। इस घटना के परिणाम स्वरूप यहां की पॉलिटिकल सीन में हलचल हो रही है और कई दिग्गज नेताओं और स्थानीय प्राधिकृति के अधिकारियों को इस मामले में शामिल होने का वक्त नहीं लगा। विधायक कल्पना वर्मा के द्वारा दर्ज की गई शिकायत के बाद सतना जिले के एसपी ने त्वरित कार्रवाई की और मामले की जाँच शुरू की गई है। यह मामला व्यक्तिगत और सियासी दरमियानी जगह के बदलते मानसिकता को दर्शाता है और इसने प्रदर्शित किया है कि भारतीय राजनीति में किस प्रकार की जटिलताएं और राजनीतिक विवाद समय समय पर उत्पन्न हो सकते हैं। इस मामले की जांच अब गतिशीली तरीके से की जा रही है और इसका परिणाम होगा कि कैसे इस मामले को आगे बढ़ाया जाता है। इसके अलावा यह मामला दिखाता है कि सियासी सदी में भी व्यक्तिगत और राजनीतिक विवादों का सामना करना पड़ सकता है और उसका ज्यादा मुद्दा बनने की संभावना है। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।